लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा को फिर से शुरू हुए 3 माह का समय बीत चुका है और अब धीरे धीरे हवाई यातायात उड़ान भरने लगा है। इस जुलाई में जयपुर एयरपोर्ट ने नया रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार गोवा और गुवाहाटी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ा है। उम्मीद की जा रही है अगस्त में 6 नई फ्लाइट्स शुरू होने से यात्री भार में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वजह से देश भर में लागू हुए लॉकडाउन के बाद हवाई सेवाओं का संचालन 25 मई से शुरू हुआ था, लेकिन पहले महीने में यात्रियों का उतना रिस्पांस नहीं मिला। इसके पीछे यात्रियों में फैले कोरोना के डर और अलग अलग राज्यों के सख्त क्वारंटाइन नियमों को कारण माना गया। अब जबकि क्वारंटाइन नियमों में काफी हद तक छूट दे दी गई है और अधिकांश राज्यों ने एक दूसरे राज्य में जाने पर संस्थागत क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन को खत्म कर दिया है, ऐसे में हवाई यात्रा को लेकर अब यात्रियों का रुझान बढ़ने लगा है। यही वजह है कि जुलाई महीने में जयपुर एयरपोर्ट ने गोवा और गुवाहाटी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स को यात्री भार के मामले में पीछे छोड़ा है। हालांकि पिछले साल की तुलना में ये यात्री भार मात्र 20% के आसपास है, लेकिन लगातार बढ़ रहे यात्री भार से एयरलाइंस और एविएशन सेक्टर से जुड़े अन्य लोगों में उम्मीद जागने लगी है। जयपुर एयरपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई में 86,522 लोगों ने यात्रा की, हालांकि पिछले साल ये संख्या 4,07,560 थी। उधर गुवाहाटी एयरपोर्ट से 81,463 यात्रियों ने यात्रा की, तो वहीं गोवा एयरपोर्ट से जुलाई में 22,551 यात्रियों ने यात्रा की। जून में 77,663 यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा की थी। पिछले एक महीने में करीब 9,000 यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़े हैं। मई में जयपुर एयरपोर्ट से 10,977 यात्रियों का आवागमन हुआ था। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की श्रेणी में जयपुर 13वें स्थान पर है। हालांकि इस बार यात्री भार के मामले में जयपुर एयरपोर्ट ने गुवाहाटी और गोवा जैसे एयरपोर्ट को पीछे छोड़ा है, लेकिन इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। पर्यटन सीजन नहीं होने के चलते गोवा एयरपोर्ट से घरेलू यात्रियों का आवागमन बहुत कम हुआ है। इसके उलट बिहार का पटना एयरपोर्ट देश के टॉप 20 एयरपोर्ट में भी शामिल नहीं है, लेकिन जून और लगातार दूसरी बार जुलाई में भी पटना एयरपोर्ट देश के टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल हुआ है। माना जा रहा है कि विदेशों या दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोग अब भी पटना से आवागमन कर रहे हैं। यही वजह है कि पटना एयरपोर्ट अहमदाबाद और कोचीन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भी आगे रहा है। आइए अब नजर डालते हैं देश के टॉप 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स पर। इनमें पहले नंबर पर आता है दिल्ली, जहां 10,59,000 यात्रियों ने यात्रा की, तो बेंगलुरु, जहां 4,38,000 यात्रियों ने यात्रा की। मुंबई 3,37,000, हैदराबाद 3,13,000, कोलकाता 2,61,000, चेन्नई 1,81,000, पटना 1,49,000, अहमदाबाद 1,25,000, कोचीन 1,20,000 और लखनऊ 1,19,000 यात्रियों ने यात्रा की। अगस्त महीने के हवाई यात्रा से जुड़े आंकड़ों में जयपुर एयरपोर्ट को और उछाल की उम्मीद है। असल में इस महीने जयपुर एयरपोर्ट से 6 नई फ्लाइट शुरू की जा रही हैं। इनमें 2 फ्लाइट बेंगलुरु और 1-1 फ्लाइट चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई के लिए शुरू होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगले महीने के आंकड़ों में जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शामिल हो सकता है। वहीं एविएशन सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दिवाली तक हवाई यात्री भार पिछले साल के मुकाबले 50% तक पहुंच सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।